गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस एंड आई एम मिस्टर रजत रस्तोगी, असिस्टेंट टीचर ऑफ RVL पब्लिक स्कूल। सो इन दिस वीडियो वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड इन प्रीवियस वीडियो वी आर रीडिंग दिस चैप्टर एंड नाउ स्टार्टिंग दिस चैप्टर। वेजिगेटिव प्रोपगेशंस मतलब शाकाहारी प्रजनन या उत्पत्ति कह सकते हैं। द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्टीम्स रूट्स लीव्स एंड स्पोर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब जो पौधे बीजों से उत्पन्न नहीं होते हैं वह पौधों के किसी अन्य भागों से जैसे कि तना, जड़, पत्तियां, इनसे उत्पन्न किए जाते हैं, नए पौधे बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को प्रोपगेशन यानी वेजिटेरियन प्रोपगेशन कहा जाता है। नंबर फर्स्ट इज़ बाय रूट्स। द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, कैरेट, डालिया एंड टर्निप कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। आलू, गाजर, डलिया और शलजम ये पौधे ऐसे हैं जिनको जड़ों से उगाया जाता है। बाय स्टीम यानी कि तने से किन किन पौधों की उत्पत्ति होती है। प्लांट्स लाइक रोज, कैल्यूस, हर्बिकस एंड मनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द कटिंग ऑफ स्टीम ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। मतलब जो है गुलहड़, अदरक, गुलहड़ है नहीं सॉरी गुलाब है और गुलहड़ है, इस तरीके के जो पौधे हैं ये तनों से उगाए जाते हैं। बाई अंडरग्राउंड स्टीम मतलब जो ज़मीन के अंदर तनों से उगाए जाते हैं। प्लांट्स लाइक जिंजर, पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टीम, दे आर बेयरिंग टिनी बर्ड्स बट द बर्ड्स इज कैपेबल टू ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट्स। मतलब जैसे अदरक है या आलू है, ये इनकी छोटी छोटी कलियाँ होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगाई जाती हैं। बाय लीव्स, द लीव्स आर सर्टेन प्लांट्स सच एज दोज ब्रायोफिलम प्रोड्यूस बर्ड्स ऑफ देयर मैगजीन। दीज बर्ड्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन द लीव्स आर प्लेसेस इन मॉइस्ट सॉइल। मतलब जो है कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो नमी के पेड़ों में आती हैं, तो उनसे जो है नए पौधों का उत्पन्न होता है। बाय स्पोरस इट्स मीन बीजाणुओं के द्वारा। सम प्लांट्स सच एज फर्म एंड फंगी डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स सच ऑफ विच ग्रोन इनटू ए न्यू प्लांट्स। मतलब कुछ बीजाणुओं के द्वारा जो हैं वो पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, इनको हम बाय स्पोर्स किया जाता है। सेकेंड एडिंग इज क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स फसलें जो हम खाते हैं। क्रॉप्स आर प्लांट्स that are grow in fields to provide food and other useful thing to use. Crops are mainly three types: food crops such as wheat, rice and maize; fiber crops such as jute and hemp; while producing crops such as peanut, mustard and lisin. मतलब जो है जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उनके पेड़ों को हम किस प्रकार से उगाएं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो अनाज खाना दिया जाता है जैसे कि गेहूं, चावल या मक्का। दूसरा जो होता है फाइबर जैसे उपाया जाता है जैसे कि कपास है, पटसन है। और तीसरा है तेल जिनसे हमें प्राप्त होता है जैसे कि मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है या अलसी का तेल है। प्लांट्स शुड बी प्रोवाइड द सुटेबल conditions to get good crop following are the essential requirements of growing fruits. मतलब जो है पौधों को उगाने के लिए हमें suitable condition चाहिए होती है जिससे कि हमारे अच्छे फसल उग सके। इसके लिए नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट इज हाई yielding variety of seeds should be used. मतलब अच्छे क्वालिटी के बीज हमें उपयोग करने चाहिए। नॉलेज अबाउट द सुटेबल सोल क्लाइम एंड सीजन ऑफ ए क्रॉप इज़ नेसेसरी। किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें उसकी अच्छी ज़मीन, जलवायु और ऋतु की आवश्यकता होती है कि हम उसे जाड़े में उपाएँ या गर्मी में उपाएँ। द राइट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी एडेड इन द सोल। मिट्टी में जो है वो अच्छे प्रकार के उर्वरक, फर्टिलाइजर मतलब अच्छे प्रकार के उर्वरक मिलाने चाहिए। द सोल शुड बी इंटीग्रेटेड टू द राइट टाइम एंड विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जो है मिट्टी में जो है उसमें
पानी की मात्रा जो है वो ठीक समय पर सही उचित मात्रा में मिलाना चाहिए। नाउ समर कैंप क्रॉप्स, मतलब कुछ गर्मियों की जो है वो फसलें होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। द क्रॉप्स इन ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इनको खरीफ की फसल कहा जाता है। मैज, राइस, ज्वार, बाजरा, मिल्टेट्स, पल्स, जूट, पिटसन, ETC आर खरीफ क्रॉप, ब्रिंजल, पम्पकिन एंड ग्राउंड्स आर द समर वेजिटेबल्स। मतलब जो है ये कुछ फसलें हैं, जैसे मक्का है, चावल है, ज्वार बाजरा है, और जो है दाल है, बैंगन है, मूंगफली हैं, ये सब जो हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं, और बैंगन, कद्दू और लौकी जो हैं वो समर वेजिटेबल्स कहलाती हैं। नाउ विंटर क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी फसल, इनको रबी की फसल कहा जाता है। वीट्स, बर्ली, ग्रेम, मस्टर्ड एंड पी ग्रो एज वेल इन द विंटर। द वेजिटेबल्स आर ग्रो इन वेल इन विंटर आर कैरेट, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, पीस एंड बीन्स। सम ऑफ द फ्रूट्स आर दैट्स ग्रो बेस्ट इन विंटर इन एप्पल, बनाना एंड पोमीग्रेंट्स। मतलब जो है कि इन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। इनमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मूँगफली, गाजर, ये जो हैं ये फसलें उगाई जाती हैं, तथा गाजर, मूली, शलजम, फूलगोभी, मटर, फलियां, ये जो हैं सब्जियां उगाई जाती हैं। इनमें से कुछ फल भी हैं जो जाड़ों के मौसम में अच्छे उगाए जाते हैं, वो क्या क्या हैं, सेब है, केला है और अनार। नाउ द सेकंड हेडिंग इज, दिस इज़ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन मतलब फसलों को जो है हम किस प्रकार से सुरक्षित रखें। फार्मर्स हा वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स, दे नीड टॉकिंग टेक टू नोइंग स्टेप्स प्रोटेक्ट द क्रॉप। मतलब जो है किसान बहुत मेहनत करते हैं फसल को उगाने के लिए, और फिर उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ये काम करने चाहिए। क्या क्या काम करने चाहिए, बारबर्ड वायर्स और ए स्ट्रॉन्ग फेंस शुड बी मेड अराउंड द फील्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम मैनी शेर स्ट्रे एनिमल्स। मतलब जो है खेत के चारों ओर हमें जो है तार या कुछ ऐसा बांध देना चाहिए जिससे कि जानवर जो है खेत में प्रवेश ना कर सकें, उनसे हम बचा सकें। पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट दैट लोकेटेड कार्टिप्लट्स ETC। हमें जो है जो टिड्डा है, झींगा है या कीड़ा है, इनसे बचाने के लिए खेतों में अपनी फसल में जो है उचित रूप से हमें दवाई का छिड़काव करना चाहिए। टिनी ऑर्गेजम कैन बी कॉज ऑफ क्रॉप डिसीज, दे शुड बी प्रिवेंट सेपरिंग फंगीसाइड्स विच आर केमिकल यूज टू किल द सच ऑर्गेनिम्स। भाई ये मतलब जो जीवाणु हैं जो नाश करते हैं फसलों को, उसको नाश करने के लिए हमें जो है उनके लिए कुछ उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स कंप्लीट द विद द क्रॉप विद न्यूट्रिएंट्स, दीज अनवांटेड प्लांट्स शुड बी रिमूव्ड। मतलब जो है फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो फसल की उर्वरकता को नष्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को नष्ट करते हैं, इसलिए उनको भी हमें खुरपी की मदद से या फावड़े की मदद से अलग कर देना चाहिए। द हार्वेस्ट क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेसेस और इन एयर राइट कंटेनर्स। मॉइस्चर शुड बी स्पोल हार्वेस्टेड क्रॉप्स बाई अलाउिंग द ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। मतलब जो है जो फसल हमारी कट जाती है उसको हमें जो है मॉइस्चर से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए सुखा देना चाहिए। सुखा कर कुछ अच्छे सूखे जगहों पर रखना चाहिए और किसी स्टोर बर्तन में करना चाहिए जिससे कि जो है कीड़े मकोड़ों से और फंगी से जो है हम इसे बचा सकें। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिशिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड लर्न दिस चैप्टर मच।